पूछता तो रिएक्शन के लिए बनाते हैं, शेयर फोर्स पूछता तो शेयर फोर्स के लिए बनाते हैं, इसमें क्या पूछा है आपको बेंडिंग, तो बनाते हैं अब इसका आईएल। तो ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, अभी हमने देखा म्यूलर ब्रेसला प्रिंसिपल, तो ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा आपका ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट जो बनाना है, ठीक वो इस टाइप का बनेगा। ये L की वैल्यू कितना है, 5 मीटर दिया हुआ है, ये हो गया x है। अब बनाते हैं इसका ILD, तो ये कैसा बनेगा आपका सिंपल, ये इस जगह से ये A है, This is B, इस सेक्शन को मान लेते हैं C। तो आपका बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसा बनता है, ये एक मोमेंट रिलीज लगाया इस टाइप से बनेगा, और ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी बाई एल, ठीक। अभी ये बन गया आई एल डी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स। अब ध्यान दो, ये तो आई एल डी बन गया, क्वेश्चन में पूछा है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को लोड दिया है 15 किलो न्यूटन का, इस 15 किलो न्यूटन को इसमें कहीं पर प्लेस करना पड़ेगा जहां पर ये मैक्सिमम इफेक्ट देता, तो आपका मैक्सिमम इफेक्ट ये कहां पर देगा, इसके मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे। कॉमन सेंस की बात है, एक ट्राइंगल में मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहां पर, उसके पीक पे। वहीं पर अगर मैं लाके लोड को प्लेस कर दूं, ठीक है ट्राइंगल है, यहीं पर मैं अगर लाके लोड को प्लेस कर दूं 15 किलो न्यूटन का, तो लोड इनटू ऑर्डिनेट, इसमें जो आईएलडी का कंक्लूजन ये निकलता है, कोई भी स्ट्रेस फंक्शन है चाहे बेंडिंग मोमेंट हो चाहे शेयर फोर्स, आंसर आता है लोड इनटू ऑर्डिनेट। लोड के बिना ऑर्डिनेट का मतलब नहीं है, ऑर्डिनेट के बिना लोड का मतलब नहीं है, लोड को ऑर्डिनेट के नीचे प्लेस कर, असर इतना है जब ये लोड लग जाएगा, तो ठीक। तो आपका आ जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू लोड इनटू ऑर्डिनेट, लोड कितना है 15 किलो न्यूटन, ऑर्डिनेट कितना है ए बी बाई एल, ए कितना है 3, बी कितना है 2, और ये एल कितना है 5। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 × 2 / 5, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 18, ये कितना आ जाएगा 18 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, टाइम भी नहीं लिया, लोड इनटू ऑर्डिनेट। अगर आपको आईएलडी पता है बेंडिंग मोमेंट का, तो अब तो सिंपल सा बना लो, बट अगर नहीं पता रहेगा तो गलती हो सकती है। ये हो गया आपका सिंगल।